أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد يبارك وسلم وسلم عليه प्यारे बहनों भाइयों, आज सफ़र है जनाब, एक और ज़्यारत है बाबा बंदे खान वली कामिल, एक बुज़ुर्ग हैं जिनका मज़ार हमारे गांव के आसपास ही है। तो यहाँ हम जा रहे हैं आज, और यहाँ भी हम पैदल जा रहे हैं। हमने मन्नत मानी हुई है जब तक हम पाकिस्तान में, इंशाल्लाह जहाँ तक हम सफ़र कर सकते हैं पैदल सफ़र करेंगे, क्योंकि पैदल सफ़र करना सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। तो अभी हम निकल रहे हैं, रास्ते में हम और आपको इंशाल्लाह वहाँ की ज़्यारत कराएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे और आपके लिए भी दुआ करेंगे। ठीक है, हमारे साथ रहना है आपने। सफ़र जारी है, ये देखिए पक्का रोड है, बेहतरीन रोड। ये साथ में देखिए गाँव की सरजमीन, हरियाली। ये इस तरह देखें गंदम लगी हुई है, आराम से हैं जी। और ये सारा रास्ता है, पैदल हम जा रहे हैं, इतना दूर नहीं है, बस तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता है। तो आपने हमारे साथ रहना है, ठीक है। बहनों भैया, हम पहुंचने वाले हैं ज़्यारत बाबा बंदे खान। ये बिल्कुल मेरे सामने आपको नज़र आ रही होगी, ये जो है ये रिसेंटली किसी बंदे ने यहाँ पर काम वाम कराया, अल्लाह पाक उसको जजाय खैर अता फरमाए। ये होता है असल में औलिया कराम से, अल्लाह के नेक बंदों से, अल्लाह के वलियों से प्यार और मोहब्बत। ये हर इंसान के बस की बात नहीं है, ये जो है ना, ये अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से होता है यहाँ पर पैसा लगाना। अब यहाँ देखिए कितने अरसे से, पिछले साल जब यहाँ आए तो उस वक्त ये नहीं था ऐसा, लेकिन अभी देखिए माशाल्लाह कितना उन्होंने खूबसूरत कर दिया। तो हम अभी अंदर जाएँगे, पहले आपको थोड़ी सी बाहर से ज़्यारत कराते हैं, बाहर से इसकी बाउंड्री आप चेक करें। माशाल्लाह ये जो है, ये बाबा बंदे खान इनके बारे में मशहूर है, ये एक वली थे। अब कहाँ से आए और कहाँ कौन सा इलाका था इसकी हमें हिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन इनके नाम से यहाँ पर एक गांव है, छोटा सा, छोटा भी नहीं है, तगड़ा गांव है, बंदे खान उसका नाम है। तो इन वली के नाम से वो नाम पड़ा, इनका नाम है बाबा बंदे खान और गाँव का जो नाम है वह है बंदे खान, तो ये नाम पड़ गया बंदे खान। तो ये ज़्यारत है, इसकी हम ज़्यारत करेंगे आज, और इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे, और आपने भी इसको लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। अभी हम अंदर चलेंगे, ये देखिए ये सामने का इलाका, थोड़ा सा आप नज़र डालें इस पर, ये देखिए ये हम आ गए अंदर, ये देखिए ये बाहर का मंज़र है। ये काम रिसेंटली किसी बंदे ने कराया, अल्लाह पाक उसको जजा खैर अता फरमाए, ठीक है ना। ये किसी बंदे ने जिसने कहा, अच्छा ये देखिए सामने, ये सामने इलाका देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है इस इलाके के अंदर। ये गंदम के सामने कटाई है, ये लोगों ने गंदम काट रखी हुई है। हम शहर के लोगों को तो आटा मिल जाता है बड़े आराम से, लेकिन ये इन लोगों की मेहनत है, कमाई है। ये सामने सारा इलाका आप देखिए, ये इलाका जो है वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो, गांव बंदे खान, ये इन बुज़ुर्गों के नाम से इनकी नस्बत है, ये इस नाम से इनकी नस्बत है बाबा बंदे खान, ठीक है। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या मंज़र है, ठीक है। ये सामने जो कब्र है, ये उन बुज़ुर्गों की कब्र है जिनकी हमने आपसे बात की, बाबा बंदे खान। अच्छा अभी अंदर भी काम अभी गुम्बद का बाकी है, लेकिन माशाल्लाह ये बड़ा काम हो गया, ये देखिए। अब ये छोटी कब्रें साथ में दो हैं, इसका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कब्र किसकी है, इनकी फैमिली के, इनके ख़ानदान से कोई बंदे हैं या क्या है। बहरहाल हो सकता है कोई इनके जानने वाले हों या इनके वो औलाद में से हों। तो ये जनाब अंदर का मंज़र है, और ये भी ये गुम्बद जो है इसका भी काम बाकी है, ये गुम्बद है जो इसका काम भी बाकी है। बाहर से काम तकरीबन मुकम्मल है, अंदर से काम बाकी है इसका, ठीक है। तो अभी हम दुआ करेंगे, और इंशाल्लाह दुआ के बाद जो है फिर वीडियो का हम जो है वाइंड अप करेंगे।
प्यारे बहनों भाइयों, हमने आपको इस जगह की ज़ियारत कराई, हमने आपके लिए दुआ की, और फिर आपका काम पता क्या है, आपका काम है लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया के अंदर भी कामयाब फरमाए और मरने के बाद जो हमेशा आने वाली ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उस ज़िंदगी के अंदर भी आपको कामयाब हो, कामरान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।